अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना खावर हूँ और मैं यूसीपी सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस के फोरम से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम यहाँ पे सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस डिपार्टमेंट को थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ये नया डिपार्टमेंट रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है ताकि हम तमाम इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लेवल के ऊपर आके ट्रेन करें और अपस्किल करें। हम लोग ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विद एक्सीलेंट मॉडर्न टेक्निक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस डिपार्टमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स को हेल्प आउट करता है कि वो अचीव करें अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस को थ्रू कोलेबोरेशंस विद आर इंटरनेशनल्स एंड नेशनल पार्टनर्स। हमारी टीम के अंदर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट हैं और जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपोजर्ड हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली एफर्ट की है कि वो अपने बिल्टअप करें सारे के सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स को और लोगों को बताएं कि किस तरीके से किस स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग्स हमने ऑफर करनी है इन फ्यूचर। सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस डिपार्टमेंट बहुत जल्द एक प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफर करने जा रहा है और जो कि है हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल टीवी एंकर पर्सन। डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम एक टीवी एंकर पर्सन हैं और वो बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, जिस तरह से डिफरेंट टॉक्स में, उनके मॉर्निंग शोज में, करंट अफेयर्स के बारे में काफी उनकी जांच रह चुकी है। तो आज हम डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुंदस एंड वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप खुद किस तरह से एंकर पर्सन बनी, हमारे व्यूअर्स को बताइए, कुछ अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। वेल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत तवील नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई केम इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज बैक इन 2004। सिंस देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम प्रिंट मीडिया और फिर मैंने टीवी में थोड़ा सा बिहाइंड द स्क्रीन काम किया एज अ प्रोड्यूसर। बट सिंस आई एम ऑन स्क्रीन, आई अपीयर ऑन स्क्रीन बैक इन 2013 फ्रॉम इस्लामाबाद एज अ मॉर्निंग शो होस्ट और फिर इसके बाद मैंने हम टीवी के साथ कुकिंग शोज भी होस्ट किए, रेडियो पाकिस्तान के साथ करंट अफेयर प्रोग्राम्स भी होस्ट किए। बट एक्चुअली स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ screen, staying as an anchor person has its own charm and charisma. So staying in limelight, this was inside of me a long time back. Since I've grown up, limelight mein rehna mujhe hamesha se bahut pasand tha. Lekin jab main TV anchoring ke taur par, TV anchor ke taur par jab main on screen appear hui, to mujhe pata chala actually okay fine, this is my field and this is the thing I always wanted to do. Okay. So aapko kya ऐसा अच्छा लगता है या आपकी दिलचस्पी कैसी है कि आप उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जो कि देख रहे हैं कि हमें कोई ऐसा मौका मिले कि हम इस तरफ आएं? आप क्या समझती हैं कि इन लोगों को हमें टारगेट करना चाहिए? वेल, इट्स अ वेरी वेरिड क्वेश्चन। जब मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर FMCS UCP, तो पहली चीज मेरे माइंड में थी और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर की वो ये थी, आई एम हेयर टू प्रोड्यूस फ्यूचर जर्नलिस्ट। और आई थिंक आई पर्सनली बिलीव एज अ जर्नलिस्ट के हमारे नातवा कंधों पर एक जिम्मेदारी है, एज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड कन्वे वट वी हैव लर्न सो फॉर। सो बींग अ जर्नलिस्ट एंड बींग एन एंकर पर्सन, आई थिंक आई शुड टीच अदर्स हाउ टू बी एन एंकर पर्सन एज अ सोशल and moral responsibility, not only as a teacher. So as a journalist, अगर मैं देखूँ कि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि what's happening industry outside within the four walls of university, आप एक formal education तो बच्चों को देते ही हैं लेकिन इसके अलावा actually industry में क्या हो रहा है, because field जो होती है वो बहुत different एक जगह होती है, campus से बाहर की दुनिया, campus के अंदर की दुनिया दो मुख्तलिफ दुनिया है। आप यहाँ पर जो पढ़ के जाती है, thanks God UCP है such platform, UCP के पास अपने TV और radio के platforms हैं like a laboratory जहाँ पे students हैं वो सीखते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है लाइक लेबोरेटरी के आगे टीवी में जाकर जो है वो फील्ड में जाकर जो है वो उनको कैसा सेटअप मिलेगा। और पाकिस्तान में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दो ऐसे मौजूद हैं ऑलरेडी जो कि ऐसे मीडिया कोर्सेज तो करवा रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन तो दिलवा रहे हैं, डिग्री तो दिलवा रहे हैं, लेकिन फॉर्मल मीडिया ट्रेनिंग कोर्सेज इज समथिंग एल्स। जैसे कि हमारे मेट्रोपोलिटन सिटी कराची में, द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, वहां पर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं। बट लाहौर बींग द कल्चरल हब, लाहौर बींग द एजुकेशनल
हब लाहौर के पास जो है अदर देन फॉर्मल एजुकेशन अदर देन डिग्री कोर्सेज ट्रेनिंग कोर्सेज जो थे वो थोड़ा सा लैग कर रही थी यहाँ पर जगह. वी हैव गॉट दैट टैलेंट, हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं मिल पा रहा था. अब एक प्रॉपर फॉर्मल डिग्री कोर्स करने के लिए आपको या तो 4 ईयर्स ऑनर्स बैचलर्स ऑनर्स करना होता है या फिर 2 साल का मास्टर्स करना होता है. लेकिन सिर्फ इस मुख्तसर से दौरानिए में 2 महीने के इस मीडिया ट्रेनिंग कोर्स में है आप वो सीख सकते हैं. वो सब कुछ सिखाने की हद तो इम्कान आपको कोशिश की जाएगी 2 महीनों में. जो भी एक फॉर्मल मीडिया ट्रेनिंग, क्योंकि एक जो इंटरनेशनल जो कि एक स्टैंडर्ड है किसी भी कोर्स का, स्पेशलाइजेशन कोर्स का, सर्टिफिकेशन कोर्स का, इट्स 2 मंथ्स. सो 8 वीक्स कोर्स में जो है वो पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको वो तमाम स्किल्स सेट जो हैं वो सिखाए जाएँ जो कि एक एंकर पर्सन बनने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास ये अल्टीमेट एक सर्टिफिकेट आता है तो यू हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस आता है दैट नाउ यू आर अ सर्टिफाइड टीवी एंकर हो. तो लोगों के अंदर ये जो इनके पास पैशन है, जिनके पास ऑफकोर्स आपके अंदर एक स्पार्क होता है तो आप खुद सीखने के लिए जाते हो. जब आपको सर्टिफाइड एंकर पर्सन बना दिया जाता है ट्रेनिंग कोर्सेज से प्रोसेस से गुजारने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट नाउ यू आर अ सर्टिफाइड टीवी एंकर. सो आप हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर सुंदस कि आप क्या समझती हैं कि उनके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स ऑलरेडी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इस कोर्स की तरफ आए. वेल, ये पैशन और स्पार्क तो ऑलरेडी आपके अंदर होता है. खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का. तो ये और अपनी कोशिश, आपके अंदर वो स्पार्क होता है तो आप आगे आप ढूंढते हो कि क्या, हाँ ऐसा कुछ काम हो रहा है और ऐसे मीडिया ट्रेनिंग कोर्सेज या एंकर आपको बनने का शौक है तो आपके अंदर खुद ये पैशन ऑलरेडी मौजूद होता है. सो वी आर हेयर टू चैनलाइज योर पैशन एंड योर एनर्जी. सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने की देर होती है. सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच प्लेटफॉर्म. और जहाँ तक ऑलरेडी पैशन तो आपके अंदर ऑफकोर्स ऑलरेडी होना चाहिए. वी आर हेयर जस्ट टू पॉलिश योर स्किल सेट, राइट. सो आपके स्किल सेट्स को बाजू का हमें खुद नहीं मालूम होता कि हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं, जब तक कि हमें बताया ना जाए या सिखाया ना जाए. ठीक है, एक कोई भी अकेडमी को दर्ज का आपको सिखाने के लिए होती है, बेसिकली आपके स्किल सेट को पॉलिश करने के लिए होती है. सो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रही हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टू बी एन एंकर पर्सन और क्या आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज. आपके कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जिससे कोई भी इस तरफ आ सकता है. मतलब जैसे कि मैंने कहा, आने के लिए तो ऑफकोर्स आपके अंदर पैशन स्पार्क होने की जरूरत है, लेकिन जब आप आ जाए तो क्या आपको सिखाया जाएगा या क्या सीखने के बाद आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स इफ यू हैव गॉट दैट पर्सनैलिटी, द चार्म, द करिश्मा, द कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास ऑलरेडी ये चीजें मौजूद है तो उसको पॉलिश करना है. एंड माई पर्सनल थिंग इज कॉन्टेंट. आई पर्सनली बिलीव कि आपका रिच कॉन्टेंट and the way you deliver it, आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. जिसलिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड मूवी एंड अ गुड फिल्म, योर स्क्रिप्ट इज द बैकबोन. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड फिल्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्क्रिप्ट, इज द स्क्रिप्ट, इज द स्क्रिप्ट, राइट. आपकी स्टोरी में जान होनी चाहिए. इसी तरह जब आपके पास रिच कॉन्टेंट नहीं होगा एक होस्ट के पास तो आप क्या डिलीवर करोगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिसर्च और राइटिंग स्किल्स को स्ट्रांग होना चाहिए. तो इस टीवी एंकरिंग कोर्स में सबसे पहले तो आपकी राइटिंग स्किल्स पे, आपकी रिसर्च स्किल्स पे, आपके कॉन्टेंट पे भी काम करवाया जाएगा. बिकॉज सिर्फ बोलना नहीं होता एज एन एंकर पर्सन, आपने अच्छा बोलना होता है, आपने विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्पी कुछ अच्छा कॉन्टेंट डिलीवर करना होता है. सो आपकी कंटेंट पे कमांड ज़्यादा होगी. माय स्पेशलिटी इज माय कंटेंट. आई बिलीव कि आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए. हाँ, आपका सेट बहुत अच्छा हो, आपका वार्डरोब अच्छा हो, आपका मेकअप अच्छा हो, अच्छे लग रहे हो, दीज आर ऑल द बोनस पॉइंट्स. दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. वो सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्टेंट, ये दिस इज द बेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आपको आप ये समझती हैं कि 2 महीने की एक ट्रेनिंग से कोई भी इंसान इसको अपना कैरियर बना सकता है? करियर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. ये आपकी अपनी पर्सनल मेहनत और लक पे भी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि यहाँ से सीखने के बाद आप आगे कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो, अप्लाई करके कहाँ कहाँ कोशिश करते हो. बिकॉज आपको अपने लिए सबसे पहले खुद कोशिश करनी होती है. यूसीपी की कोशिश रहेगी जनाब कि आपको एक अच्छा एंकर बनाकर जो है कि आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह ज़रूर मिले जहाँ पर अपनी स्किल्स को जो आप सीखते हो उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सके. लेकिन अल्टीमेट आपके अंदर स्पार्क हो तो आपकी अपनी पर्सनल कोशिश होती है. सो जब आपके पास, जैसे कि मैंने कहा, व्हेन यू हैव गॉट दिस सर्टिफिकेट तो आपके पास ड्यू कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट नाउ यू आर अ सर्टिफाइड टीवी एंकर, यू नो. फिर आपके पास कहीं अप्लाई
करने के लिए भी जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो कुछ और होता है. बिफोर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग कोर्स, आप जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब अप्लाई करते हो और आपके पास सर्टिफाइड टीवीएन के कोर्स होते हैं, तो ऑफकोर्स आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी जो है वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं. दैट्स क्वाइट नेचुरल. ओके, सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि क्या डू यू सजेस्ट के इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स टू गो फॉर दिस कोर्स? वेल, देयर इज नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लाइक देयर इज नो मेल एंड फीमेल व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल्स. हाँ, अंटिल अनलेस आपके किसी टीवी चैनल में जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे ऑलरेडी उनके पास अगर फीमेल ज्यादा है, उनको मेल चाहिए, मेल ज्यादा फीमेल चाहिए, तो वहां जाकर आई थिंक ये चीज आती है. बट टू बी एन एंकर पर्सन, आई थिंक देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. डॉक्टर सुंदर, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए, वो ये कि हम एक कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स जो कि हम ऑफर करने जा रहे हैं सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सलेंस के फोरम से, यूसीपी के फोरम से, उसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम टीवी एंकर का एक कोर्स कर लेते हैं तो क्या वो सफिशिएंट होगा, या उसके अलावा हमें डिफरेंट स्किल सेट अपने रेडियो सेक्शन में भी कुछ करनी पड़ेगी, या दिस इज सफिशिएंट? वेल, अगर तो आपको प्योरली पर्टिकुलरली टीवी एंकर ही बनना है, सो ये एक सफिशिएंट कोर्स है टू मेक योर टीवी एंकर. और वैसे ये रिसीविंग एंड पे भी डिपेंड करता है, आप लोग आप जो सीखने के लिए आते हैं वो क्या सीख कर जाते हैं, यू नो. सो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन या एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होती है जब रिसीविंग एंड पर जो रिसीव करने के लिए जो है उनके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है. लेकिन अगर आप प्योरली टीवी एंकरिंग के लिए आए तो ऑफकोर्स दिस इज सफिशिएंट. लेकिन अगर उसके अलावा अगर आपको रेडियो में भी इंटरेस्ट, so did you have this separate training course of radio broadcasting as well? Or aapko radio broadcasting, because radio is a far more interesting and difficult medium than TV, because TV pe you've got that little flexibility, but aapko jo awaaz se tasveer kashi karni hoti hai, jo visualization karni hoti hai, wo radio se karni hoti hai. Aapko apni awaaz se ek pure ek picture, ek puri scenario create karna hota hai. सो उसके लिए ऑफकोर्स आपको एक प्रॉपर स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए होती है. सिर्फ बोलना मैटर नहीं करता है, ऑलवेज से अच्छा बोलना मैटर करता है. रेडियो पे तो सिर्फ 45 सेकंड में आपने एक लिंक देना है और आपको कुछ ऐसा अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है कि आपको सुनने वाले ट्यून इन करें और आपके स्टेशन पर रुकेंगे. इसी तरह टीवी पर आपको जो है वो चैनल स्विच करते हुए क्यों कोई आप ही को देखकर रुकेगा. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो रेडियो को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिखाने के लिए किसी को एक प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स है, और टीवी के लिए, और इसके बाद यूसीपी ने सीपीई ने जो है एक वेब मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए भी हमारा ट्रेनिंग कोर्स है. तो अगर आपको सोशल मीडिया एंकर बनने का शौक है, सो वी डू हैव सेपरेट ट्रेनिंग कोर्स फॉर दैट एज वेल. एक्सीलेंट डॉक्टर संदर्स, ये तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत एक अच्छी बात हो गई कि हम टीवी एंकर का कोर्स ऑफर करने के बाद सीपीई के फोरम से यूसीपी के साथ मिलकर एक और रेडियो का भी एक प्रॉपर फुल फ्लेज किस्म का कोर्स ऑफर कर सकते हैं. यस, फॉर श्योर. थैंक यू डॉक्टर संदर्स फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट एंड गाइडलाइंस फॉर आर ऑडियंस. थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम. थैंक यू. थैंक यू ऑडियंस. मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.